नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स टाइगर में। दिस इज अनुज खेई। क्रिकेट जगत में इस वक्त एक बड़ी खबर आई है कुलदीप यादव के मुतल्लिक। कुलदीप यादव का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है जहां पे उन्होंने टीम मैनेजमेंट को लेके बात करी है, अपना जो क्रिकेट उनका करियर इस समय जिस प्रोसेस में है उस पर बात करी है, डिप्रेशन को लेकर उन्होंने बहुत से ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। साथ ही साथ धोनी के रिटायरमेंट के बाद उनका क्रिकेट करियर किस तरीके से जो है चल रहा है उसको लेके भी उन्होंने बहुत से जो है अपना स्टेटमेंट दिया है, अपना बयान दिया है। इन सभी पे जो है हम अभी बात करेंगे और ये जानेंगे कि कुलदीप यादव जो कि कुछ समय से टीम इंडिया से अंदर बाहर हो रहे हैं, क्या जहनी तौर पर कुलदीप यादव को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्या कुलदीप यादव इस समय उस पर्टिकुलर डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी बताई है कि आईपीएल में भी उनको मौका नहीं मिलने पे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वो एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का सबब था। तो इन चीज़ों को लेके हम जो है बात करेंगे, इन सभी पॉइंट्स पे हम जो है रोशनी डालने की जो है पूरी कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से कुलदीप यादव जो हैं वो लगातार टीम से अंदर बाहर हो रहे हैं और अब फाइनली जो है वो इंग्लैंड के दौरे पर भी नहीं चुने गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुलदीप यादव की कि कुलदीप यादव की जो शुरुआत हुई थी उसके बाद जो उनकी जर्नी रही थी, किस तरीके से एक तरीके से वो पूरे टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, फिर क्या होता है, फिर किस तरीके से डाउनफॉल आता है। कुलदीप यादव का डेब्यू बहुत अच्छा था। उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में जब अपना डेब्यू किया था तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं धूम सी मचा दी थी। उन्होंने अपने पहले मैच में 5 विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिए थे और उसके बाद ऐसा लगा था कि कुलदीप और चहल की जोड़ी जो कि कुलचा के नाम से मशहूर है वो एक जो है एक काफिला पकड़ चुकी है और ये जोड़ी जो है टीम इंडिया को वर्ल्ड कप ज़रूर जिता के देगी। लेकिन वर्ल्ड कप से ठीक 6 महीने पहले या तकरीबन 4 से 5 महीने पहले इस जोड़ी को जो है एक तरीके से तोड़ दिया जाता है। ये दोनों ही खिलाड़ी एक साथ जो आपको खेलते हुए नहीं दिखते हैं एक ही प्लेइंग 11 में, जहां से दोनों की परफॉर्मेंसेस या स्पेशली कुलदीप यादव की मैं बात करूं वहां से कुलदीप यादव का जो करियर था वो एक टर्न अराउंड लेता है। लगातार जो उनको मौके मिलते आ रहे थे वो कहीं ना कहीं शायद उनकी थोड़ी बहुत ख़राब परफॉर्मेंसेस के कारण उनको मिलने बंद हो गए। इसके बाद धीरे धीरे जैसे वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया बाहर होती है, उसके बाद हम विदेशी दौरे भी करते हैं, वहाँ भी कुलदीप यादव को बाहर रखा जाता है। इतनी जो है हमने उनके साथ चीज़ें देखी कि रिसेंटली चेन्नई में जो टेस्ट हुआ था, पहला टेस्ट जो इंग्लैंड के खिलाफ था, उसमें भी शाहबाज नदीम को खिलाया गया, कुलदीप यादव को नहीं खिलाया गया। वो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि जब आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और कुलदीप यादव का रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा है तो ऐसे में आपको कुलदीप यादव जैसे एक्सपीरियंस कैंपेनर को मौका देना चाहिए था, नदीम को शायद नहीं देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो हुआ आईपीएल में भी लगातार उनको पूरा ही नज़रअंदाज करा गया, टीम मैनेजमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। शायद जो उनको एक तरीके से एक जस्टिफिकेशन मिलती रही टीम इंडिया से भी कि वो अभी कहीं ना कहीं टीम इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है, जो सेटअप है, जो प्लेइंग 11 को लेकर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ उसके अंदर कुलदीप यादव फिट नहीं बैठ रहे हैं। शायद बल्ले से और उनको काम करने की ज़रूरत है। जिस तरीके की वो बॉलिंग करते हैं ज़्यादातर हमने देखा है कि हवा में जो है काफ़ी उनकी स्लो बॉल, यानी कि जिस तरीके से वो फ्लाइट देते हैं बॉल को, उसको कहीं ना कहीं शायद थोड़ा पेस और उनको जो है उसमें इजाफा करने की ज़रूरत है। उन्होंने एक बात ये भी बोली कि जिस तरीके से राशिद खान स्पिन कराते हैं और बहुत ही अगर आप उनकी गति देखेंगे स्पिन की, जो उनका पूरे के पूरे बॉलिंग रहती है, जो एक तरीके से स्पीड मेंटेन करके वो चलते हैं, एवरेज स्पीड उनकी तकरीबन 90 mph पर आ रहती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके अंदर कुलदीप यादव को भी रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा डिप्रेशन को लेके मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कुलदीप यादव की कि किस तरीके से उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जब वो खेल रहे थे तो चेन्नई की पिच पे जब मैचेस हुए उस पे भी नहीं उन्हें खिलाया गया, यानी कि स्पिन फ्रेंडली विकेट पे भी अगर कुलदीप यादव को मौका नहीं मिल रहा है तो ऐसे में कब मौका मिलेगा, ये सवाल वो खुद से पूछते थे। एक वाक्य उन्होंने और बताया जहाँ पे उन्होंने ये साझा किया कि जहनी तौर पे कभी कभी उनको ऐसा लगता था, ऐसा वो सोचते थे कि क्या यार अब मैं वो कुलदीप नहीं रहा। तो मेंटली आप देख सकते हैं कि कुलदीप यादव जो है
कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो हैं इस समय एक डिप्रेसिंग स्टेज से गुजर रहे हैं। मौका नहीं मिल पाना एक बहुत बड़ी वजह है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक स्टेटमेंट उन्होंने और दिया कि जब आप ड्रिंक्स सर्व करने प्लेयर्स को जाते हैं, जब आप उस बेंच पे बैठते हैं, तो एक बार को तो लगता है कि यार सबसे बेस्ट जो है यही बेंच है, लेकिन जब ज़्यादातर आप उसी बेंच पे खुद को पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे निकलना चाहते हैं। एक क्रिकेटर की ज़िंदगी में लगातार क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में कुलदीप यादव को जब मौका मिला था चेन्नई टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में, तब उनको जो इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, तब उन्होंने बोला था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहे थे। वो ये देख रहे थे कि जो है जल्द से जल्द मैं विकेट्स ले सकूं, और उसके चक्कर में कहीं ना कहीं जो है वो उनका जो बेसिक्स थे वो कहीं ना कहीं मिस होते चले गए और उनको इतनी सफलताएं नहीं मिली उस टेस्ट में। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो कुलदीप यादव को इस समय एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो एक डिप्रेशन का एक ज़हनी तौर पर, हमने काफ़ी क्रिकेटर्स ऐसे देखे हैं, जैसे मैं ग्लेन मैक्सवेल की बात करूं तो उन्होंने तो ब्रेक तक ले लिया था क्रिकेट से बीच में। हमने कई ऐसे क्रिकेटर्स देखे हैं जिन्होंने क्रिकेट को ही छोड़ दिया डिप्रेशन के चक्कर में। बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं, मार्कस ट्रेस्कॉथी का मैं यहाँ एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, जोनाथन ट्रॉट भी एक ज़माने में जो है ज़हनी तौर पर स्ट्रगल कर रहे थे चैलेंजेस को लेकर क्रिकेट में, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद जो है संन्यास ले लिया था। बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हमने देखे हैं, रॉबिन उथप्पा का एक स्टेटमेंट आया था कि वो एक टाइम पे जो एक ज़हनी तौर पे वो इतने ज़्यादा डिप्रेसिव हो गए थे कि वो सुसाइड तक का सोच रहे थे। तो लगातार चैलेंजेस हम क्रिकेटर की ज़िंदगी में देखते हैं, और कुलदीप यादव इस समय जिस भी फेस में हैं, उम्मीद यही करेंगे वो उससे से जल्द उभरें। MS धोनी की जब उन्होंने बात करी है तो MS धोनी को लेके भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उनका आया कि जब भी माही भाई विकेट के पीछे होते थे, स्टंप्स के पीछे होते थे, तो काफ़ी मदद मिलती थी। और प्रदर्शन जो कुलदीप का था, हमने देखा था कि शानदार यादगार जीते जो है कुलदीप ने हमें ओवरसीज़ भी दिलाई। कुलचा की जोड़ी की मैं इनफैक्ट बात करूं, कहीं ना कहीं मिस करते हैं हम दोनों जो डुओ हैं उनका, जो एक गेंदबाजी थी, जो जिस तरीके से जो पैनअपन दिखता था गेंदबाजी में, वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम मिस ज़रूर करती है, और एज एन क्रिकेट फ़ैन हम भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उम्मीद यही करेंगे कि कुलदीप यादव जल्द से जल्द वापसी करें, शानदार ज़बरदस्त वापसी करें। जो श्रीलंका के खिलाफ अगर सीरीज़ होती है उसमें जो मौका उनको मिलता है प्रोबेबल्स में, तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव ज़रूर खेलें और ऐसी धूम मचा दें कि टीम इंडिया को जो है कहीं ना कहीं मजबूर हो जाए उनको सेलेक्ट करने में। तो उम्मीद करेंगे कुलदीप यादव के लिए भले ही पिछले कुछ 6 महीना साल भर बहुत ही डिफ़िकल्ट रहे हैं, लेकिन शायद यही चैलेंज उनको कहीं ना कहीं नीड ऑफ द आर है, ये दरकार है उनके समय की, उनकी ज़िंदगी की, शायद री इन्वेंट करने का खुद को टाइम आ चुका है। और अगर टीम इंडिया के लिए वापस से उन्हीं सुनहरे मौक़ों को याद करना है जो उन्होंने टीम के लिए करे थे, जो प्रदर्शन उन्होंने किया था, तो उम्मीद करेंगे कुलदीप यादव जो है जल्द से जल्द खुद को रीइन्वेंट करें, खुद की परफॉर्मेंसेस को वापस से देखें जो उन्होंने हिस्टोरिक परफॉर्मेंसेस इंडिया के लिए दी हैं, हैट्रिक उन्होंने ली है, तो उन सभी परफॉर्मेंसेस को याद करें, मोटिवेशन लें, और कहीं ना कहीं जो हमको वापस से वही कुलदीप यादव, वही कुलचा की जोड़ी हमको वापस से देखने को मिले और टीम इंडिया की जीत में 4 चांद वो लगा दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खेई।